वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको टीम पाकिस्तान न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। अपडेट आई है थोड़ी देर पहले, एक घंटा पहले, सऊदी अरब की जानब से सऊदी अरब डायरेक्ट सफ़र की इजाज़त मिल गई है। किन लोगों को मिली है मुकम्मल न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस न्यूज़ चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो न्यूज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो सऊदी अरब ने डेडलाइन दे रखी थी 10 अक्टूबर की, 10 अक्टूबर के बाद पहली खुशखबरी मिल चुकी है, सऊदी अरब ने डायरेक्ट फ़्लाइट की इजाज़त दे दी है, आप लोग डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कुछ शरायत आयद की गई हैं। सबसे पहले जो शरायत आयद की गई है वो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कि वर्क वीज़े वाले हैं, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो भाई आप डायरेक्ट सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर जाकर क्वारंटीना भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको वहाँ पर PCR टेस्ट शो करवाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अगर वैक्सीनेशन आपने नहीं लगवाई तो आपको वहाँ पर वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी। उसके बाद एक और अपडेट है वो ये है कि अगर आप डायरेक्ट सफ़र करना चाहते हैं वर्क वीज़ा और उसके बाद आप वहाँ के रहायशी होने चाहिए, अगर आप किसी अदर मुल्क में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप मौजूद हैं, जैसा कि आप पाकिस्तान में एज एग्ज़ाम्पल फंसे हुए हैं और आपके पास आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप फिर भी डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं, ये अपडेट आ रही है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अवर अपडेट आएगी इस हवाले से फ्लाइट के मतलब सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।